टिकटॉक समेत 59 ऐप बैन करने के बाद अब केंद्र सरकार पबजी समेत 275 और ऐप को बैन करने पर विचार। भाई पबजी बैन हो रहा है, न्यूज देखो आज की, ये सच बोल रहे हैं लोग, पबजी बैन हो रहा है मतलब हमारा करियर डेड होते इस पैसे नहीं, पैसे कैसे आएंगे अब, तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे हम तो यार, फ्री फायर खेलेंगे कोई बात नहीं भाई, मर जाएंगे भाई हम प्रवास नहीं कर पाएंगे। अच्छा वैसे भी हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये न्यूज़ तुम सुन के अपने अपने तक ही रखो भाई, हमें मत बताओ भाई, मिले तो बंदा है, एक और है बहुत ले जी जी लेट्स गो पैराडाइज। PUBG बैन रिली, अरे गाइस न्यूज़ तो आई है पर इट्स नॉट कंफर्म येट, न्यूज़ तो आई पर देखेंगे अल्टरनेटिव आता है यार, तुम एक ही टॉपिक पे डालते जा रहे, स्पैम मारते जा रहे, बैन बैन बैन, देख लेती गवर्नमेंट जो करना है करेंगी भाई, और अल्टरनेटिव लाते PUBG वाले, ऐसा थोड़ी है भाई इतना बड़ा, मोस्टली सारे व्यूअर्स एंड ऑल PUBG का ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में ही शायद प्लेयर्स एंड ऑल सब वगैरह, तो ऐसा ईजिली जाने नहीं देते हो गेम, आन दो देखेंगे जो भी होता है देखेंगे, अब एक ही टॉपिक पे तुम ना स्पैम मारते रहेंगे तो कैसा है भाई, कौन सा डिवाइस आईफोन 11 है भाई, ओपिनियन अबाउट जॉन अदन, अरे खतरनाक है भाई, सब जने खतरनाक, उन्हें भी खतरनाक भाई, डेक्सटर गेम प्ले को एक बार रेट कर दो, रेट तो नहीं मैं शॉर्ट आउट दे सकूं, डेक्सटर गेम प्ले वॉच आउट, विचार कर रही है, तो यानी एक तरीके से चीन पर और वार होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। टिकटॉक समेत पहले ही आपको बता दें 59 ऐप ऐसे थे जिन्हें बैन कर दिया गया था, जिससे ये बताया जा रहा था कि आर्थिक तौर पर चीन को बहुत नुकसान हुआ है, अमेरिका भी इसकी तैयारी में जुट गया था, वहीं केंद्र सरकार की तरफ से अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि PUBG समेत 275 और ऐप को बैन करने पर विचार कर रही है।